आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पत्ता गोभी बनाने की रेसिपी। पत्ता गोभी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सरसों का तेल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून राई, 4 से 5 लहसुन की कली, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चें कटी हुई, 1 बड़ी प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 2 आलू, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 250 ग्राम पत्ता गोभी घिसी हुई। अब हम पैन ले लेंगे। पैन को हमने हीट कर रखा है पहले से, अब हम उसमें ऑयल ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से पका लेंगे, फिर उसे थोड़ा ठंडा होना चाहिए। अब हम उसमें जीरा, हींग ये सब ऐड कर देंगे, फिर हम उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ये भी डाल देंगे और उसे 2-3 मिनट के लिए चला लेंगे अच्छे से। फिर हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को 2-3 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। फिर हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर को भी 2-3 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। फिर हम उसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, फिर उसे ढककर थोड़ी देर के लिए, और उसमें आलू डाल देंगे और पत्ता गोभी भी ऐड कर देंगे। पत्ता गोभी को अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे। जब वो अच्छे से मसाले में कोट हो जाए हम उसमें ढक्कन ढक देंगे, फिर हम उसमें मैजिक मसाला ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। फिर मैजिक मसाला ऐड करने के बाद फिर चलाएंगे, फिर हम इसे ढक देंगे दोबारा। हम इसे 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब हमारी पत्ता गोभी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।